हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लंबो पेल्विक रिदम क्या होती है। सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाएंगे कि लंबो पेल्विक रिदम किस तरीके से काम करती है और लंबो पेल्विक रिदम को किस तरीके से असेस किया जाता है। साथ ही आपको बताएंगे कि लंबो पेल्विक रिदम अगर डिस्ट्रप्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, लंबो पेल्विक रिदम को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में समझें तो जब आप कोई भी फंक्शनल मूवमेंट करते हैं जैसे कि वॉकिंग, तो चलने के दौरान आपका लंबर और पेल्विस सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेट वे में मूव करते हैं। इसी बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं लंबो पेल्विक रिदम। जैसे कि जब आप चलते हैं तो आपके पेल्विस का एक हिस्सा आगे की ओर रोटेट करता है, जबकि आपकी स्पाइन के सेम साइड की स्पाइन का एक हिस्सा पीछे की ओर रोटेट करता है। इसी रेसिप्रोकल मूवमेंट को हम बोलते हैं लंबो पेल्विक रिदम। दोस्तों, आपकी लंबो पेल्विक रिदम बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बॉडी के ऊपर लग रहे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है और आपकी बॉडी को स्टेबलाइज और अलाइनमेंट में रखती है, आपकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स को अलाइनमेंट में रखती है। तो दोस्तों, लंबो पेल्विक रिदम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लंबो पेल्विक रिदम सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में या सिंक्रोनाइज वे में काम नहीं करेगी तो आपको लंबर पेन और पेल्विस में पेन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जब फिजियोथेरेपिस्ट किसी बैक पेन के मरीज का इलाज कर रहे होते हैं या ऐसे मरीज जिनका गेट पैटर्न एबनॉर्मल है, तो वो असेस करते हैं उनकी लंबो पेल्विक रिदम को। दोस्तों, लंबो पेल्विक रिदम के अंदर सबसे पहले एग्जामिनेशन किया जाता है रेंज ऑफ मोशन का। अगर आपके लंबर एरिया के अंदर या पेल्विस के अंदर पेन हो रहा है या किसी साइड के अंदर जो रेंज रिड्यूस हो गई है, या तो लंबर मूवमेंट की या फिर आपके पेल्विस की अगर मूवमेंट रिड्यूस हो गई है, तो आपकी लंबो पेल्विक रिदम भी इससे अफेक्टेड होगी। दूसरा, डॉक्टर्स चेक करते हैं आपके मसल इम्बैलेंस को। अगर आपकी आइदर साइड की मसल इम्बैलेंस हो जाए या मसल टाइटनेस हो जाए या मसल में वीकनेस हो जाए, तो भी लंबो पेल्विक रिदम डिस्ट्रप्ट हो जाती है। साथ ही डॉक्टर्स आपका पोस्चुरल अलाइनमेंट भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सेसिव लॉर्डोसिस है लंबर स्पाइन के अंदर या फिर आपका जो पेल्विस है वो ज़्यादा एंटीरियरली टिल्ट हो गया है, तो भी आपकी लंबो पेल्विक रिदम डिस्ट्रप्ट हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। डॉक्टर्स आपको टारगेटेड एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपकी लंबो पेल्विक रिदम को कोऑर्डिनेटेड और स्मूथ मैनर में कंटिन्यू और मेंटेन किया जा सके। आपको सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन देते हैं ताकि जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आपकी हो रही है लंबो पेल्विक रिदम में, उसको इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही डॉक्टर्स आपको पोस्चुरल गाइडेंस भी देते हैं ताकि आपके पोस्चर को करेक्ट करके आपकी लंबो पेल्विक रिदम को स्मूथ किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया लंबो पेल्विक रिदम क्या होती है और ये किस तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लंबो पेल्विक रिदम के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आप वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।